इब्रानियों अध्याय 9 पार्थिव तंबू में सेवा। उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी और वह पवित्र स्थान कहलाता है। दूसरा पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मंडा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का अमृतबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पट्टियां थी। उसके ऊपर दोनों तेजमय करूब थे जो प्राश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी। उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। मसीह के लहू की सामर्थ्य। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात उस सृष्टि का नहीं और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अन्य छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से सिद्ध क्यों न शुद्ध करेगा, क्योंकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। इसी कारण यह नई वाचा का मध्यस्थ है ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समूह के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीराश को प्राप्त करें, क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है वहाँ वाचा बांधने वालों की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। इसलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जुफा के साथ उस पुस्तक पर जो सब लोगों पर छिड़क दिया है और कहा, यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने चंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, मसीह के बलिदान द्वारा पाप क्षमा। इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती है, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है प्रवेश नहीं किया पर स्वर्ग में ही प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। थैंक यू।